उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस खूबसूरत पर्व के बाद कुछ ऐसे लोग निकल कर आए हैं जिन्होंने जनता की सेवा के लिए नेता बनने की राह चुनी। ऐसी ही एक महिला नेत्री से आज हम आपको रूबरू कराएंगे जो उत्तर प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला नेत्री हैं। स्नातक करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही गुंजन ने जब अपने मोहल्ले की बदहाली देखी तो उसने कई बार नेताओं के आगे गुहार लगाई, लेकिन नेताओं ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, जिसके बाद वह खुद अपने मोहल्ले के विकास के लिए चुनावी मैदान में कूद गई। उसने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा और पार्टी ने उसे टिकट दे भी दिया। गली मोहल्ले में पसीना बहाने के बाद गुंजन को आखिरकार जनता का आशीर्वाद उसे मिल ही गया। गुंजन के लिए यह राह आसान नहीं थी क्योंकि उसके सामने कई बड़े मठाधीश लड़ रहे थे जो पिछले कई सालों से नेतागिरी करते चले आ रहे थे, लेकिन गुंजन ने न सिर्फ उन्हें हराया बल्कि पूरे प्रदेश में सबसे कम उम्र की महिला सभासद बनने का कीर्तिमान भी हासिल किया है। नगर पंचायत रुधौली के लोहिया नगर वार्ड से चुनाव लड़ी गुंजन को कुल 183 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी चंपा देवी को 96 वोट मिले। इस तरह से गुंजन ने 87 वोटों से जीत दर्ज कर वह उत्तर प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला सभासद बन गई। समाजवादी पार्टी से सभासदी का चुनाव लड़ी गुंजन आर्या ने बताया कि उनके मोहल्ले में सड़क, लाइट, नाली, पानी, सीवर आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का काफी अभाव है। अतः मेरा प्रयास है कि मैं अपने मोहल्ले के लोगों के विश्वास को कायम कर इन सभी मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर मोहल्ले का विकास कर सकूं, जिससे जनता का विश्वास उन पर कायम रहे। नगर पंचायत रुधौली, कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर लोहिया नगर। कितने मतों से जीती हैं और आपका प्रतिद्वंदी कौन था? 192। आपके प्रतिद्वंदी कौन थे? आप पहली बार चुनाव लड़ी हैं, क्या करती हैं? मैं एमएससी की तैयारी कर रही हूं। आपके पिताजी? पापा उपभोक्ता फोरम में बाबू हैं। किन बातों को लेकर आप राजनीति चुनी हैं? बस मैंने देखा गांव में जा करके और कुछ कमियां देखी, भैया लोगों की फोर्स किया, फिर भैया लोग से प्रेरणा मिली है। आपके मामा भी राज्य मंत्री रह चुके हैं? आप पहली बार जीत चुके हैं, पहली बार में ही अपने वार्ड का विकास किस तरीके से करेंगे? मैं अपने वार्ड का विकास जा करके देखूंगी सबको, और जैसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के फोर्स करूंगी। आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं उनसे, और फिर गांव का भी देखूंगी, विकास करूंगी, नाली, सड़कें, लाइट वगैरह, ये सब लेकर के। सभा से चुनी गई हैं? हाँ। किसकी मेहनत से चुनी गई हैं? अभी पढ़ाई कर रही थी? पढ़ाई कर रही है, लेकिन मेरे बेटे बहुत दिनों से परेशान थे और महिला सीट था, इसलिए उसको उतार दिए। अभी पढ़ाई करेगी, कर रही है, पढ़ाई करेगी। अपने बच्चों का सहेली के साथ जा रही थी गांव में घूमने, देखी है कि बहुत गंदा है, नाली नहीं है, सड़क नहीं शुद्ध है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, अभी सब कुछ बाकी है। इसीलिए वो सोची कि मैं उतर आऊँगी तो उस समाज सेवा करूँगी। हमारे वार्ड में क्या नाली और सड़क और ये है कब्रिस्तान के लिए है, हर एक चीज़ की मतलब समस्या तो वहाँ ज़्यादा है। हाँ, इसलिए सभा सबको चुना गया कि ताकि ये सब चीज़ हमारे यहाँ मतलब करवाया जाए। इस बार लोहिया नगर से गुंजन आर्या जी चुनी गई हैं? हाँ, गुंजन आर्या को हम लोग भी चुने हैं, इसके लिए चुना है कि मतलब ये लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं। हाँ जी। और जो है कम से कम कहने पर सुने, काम हमारा घर का करवाएं, यहाँ नाली है, सड़क है और सब चीज़ें हैं जी, और स्कूल है, स्कूल है, ये सब चीज़ हमारे यहाँ आई है ना, हमारे बच्चे जो है दूर दूर जाके पढ़ते हैं। इसके पहले सभासद आप तो, आप वार्ड कौन सा? वार्ड नंबर 3 लोहिया नगर। आपके वार्ड में क्या क्या विकास हुआ है? हमारे वार्ड में बहुत तकलीफी है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है, हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ने जाते हैं जिसकी मजदूरी 300 रुपया है, 300 रुपया मजदूरी है, तो अपना गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता है ना, तो हमारे वार्ड में बहुत बहुत सी समस्या है। क्यों आपके पहले इसके पहले जो सभासद चुने गए वो कोई काम नहीं किए, वो खाली अपना जो करना था वो किए जी। हमने अध्यक्ष जी को भी कहा यही बात, अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ।
हमारी यहाँ स्कूल का बहुत दिक्कत है, नाली का बहुत दिक्कत है, लोग बहुत परेशान हैं। इस बार लोहिया नगर से अभी युवा सभासद गुंजन आर्य चुने गई हैं। हाँ ठीक सर। उनका स्वभाव या उनका आचरण कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, वो पढ़े लिखे घर के हैं, उनके सब राज्य